हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश चैनल विद एकता शर्मा। आज अपन शुरू कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट का अगला पोर्शन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एडवर्टीजमेंट के जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या है, एडवर्टीजमेंट को कैसे लिखा जाता है, एक विज्ञापन को प्रकाशित करते टाइम किन किन बातों को, किन किन पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है। आज मैं आपके लिए एडवर्टीजमेंट है वो लिख के लेके आई हूँ। मैंने ब्राइड और ग्रूम वांटेड के बारे में आपको उस दिन बताया था, पिछली वीडियो अपने उन मेन पॉइंट पे थी कि ब्राइड वांटेड या फिर ग्रूम वांटेड के लिए अगर एडवर्टीजमेंट देना होता है तो किन किन पॉइंट को हमें ध्यान रखना होता है। तो आज एडवर्टीजमेंट है वो एग्जांपल के रूप में लिखे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, आई होप आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि मिस्टर आर सी शर्मा इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन। तो ये बता रहा है कि जो आर सी शर्मा है वो लुकिंग फॉर यानी तलाश रहे हैं किसको, ए ब्राइड दुल्हन को, फॉर हिज सन अपने बेटे के लिए वो एक दुल्हन की तलाश है वो आर सी शर्मा कर रहे हैं। राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर के अंदर जो मैट्रिमोनियल का जो कॉलम आता है मीन्स वैवाहिक से संबंधित जो कॉलम आता है उसके अंदर एक एडवर्टीजमेंट है वो पब्लिश करना है। तो इसके ऊपर आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है। तो जो ब्राइड वांटेड है मीन्स अपने को दुल्हन चाहिए। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि पहले तो अपना जो प्रोस्पेक्टिव जो ग्रूम है उसके बारे में अपने को बताना पड़ेगा, उसके बाद में अपन ब्राइड जैसी अपने को चाहिए वैसी बताएंगे। स्टार्टिंग अपन करेंगे अलायंस से। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। गठबंधन है वो शादी के वक्त ही किया जाता है। तो अलायंस से अपन इसको स्टार्ट करेंगे कि अलायंस इन्वाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम, ये 26 है वो उसकी एज है एंड 5'8" है वो इसकी हाइट है। तो शर्मा बॉय मीन्स ऊपर बता दिया आपने को कि आर सी शर्मा मीन्स शर्मा बॉय है, तो ये उसकी हाइट है 5'8" और ये 26 उसकी एज है। और जो लड़का है वो कैसा है, स्मार्ट है एंड हैंडसम भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे ये स्पेलिंग जब बीच में छूट जाती है कॉलम आ जाता है तो यहाँ पे हम डैश लगा करके आगे की स्पेलिंग को लिखते हैं। तो आगे है लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटिफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली। अब लड़की कैसी चाहिए अपने को वो बताना होता है। तो लुकिंग फॉर मीन्स वो तलाश कर रहे हैं, जो आर सी शर्मा है वो तलाश रहे हैं किसको, जो वास्तविक रूप से सुंदर भी लड़की होनी चाहिए, स्लिम भी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, कैसी लड़की को और कैसी कहाँ से होनी चाहिए, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एकदम स्टेटस से पूरा होना चाहिए, मतलब स्टेटस वाली उसकी फैमिली है वो होनी चाहिए, अच्छा स्टेटस उसका होना चाहिए। तो उसके बाद में लिखा मतलब लास्ट में मैंने बताया था कि कॉन्टेक्ट नंबर भी चाहिए। अब लड़की के बारे में बता दिया, लड़के के बारे में बता दिया, दोनों चीजों के बारे में बता दिया, अपने को चाहिए अगले से रिप्लाई। अब वो रिप्लाई कहाँ करेगा, इसके लिए अपने को कोई कॉन्टेक्ट नंबर देना होता है। तो देखो राइट विद कम्प्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ टू एस सी शर्मा जयपुर। तो इसने बस शॉर्ट में लिखा है कि अपनी जो कम्प्लीट जो बायोडाटा है और अपनी जो रिसेंट की हाल ही मिली हुई जो फोटोग्राफ है वो एस सी शर्मा को भेजो जो कि जयपुर में है। इसकी जगह अपन कोई पीओ बॉक्स नंबर भी दे सकते हैं, कोई टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, कोई मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर में जहां पे अपन ने ये पब्लिश करवाया है उस न्यूज़पेपर के बारे में भी बोल सकते हैं कि वहां आप उस न्यूज़पेपर के हेड ऑफिस में आप अपना रिप्लाई है वो आप दे सकते हो। तो वहां से अपने को जो न्यूज है वो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो इसके बारे में मिल जाएगी। तो ये होता है ब्राइड वांटेड। और ऐसे ही ग्रूम वांटेड का होता है, जैसे मैंने लिखा भी है कि ग्रूम वांटेड, तो मान लो क्वेश्चन सेम ही है, इसमें अपन को बता दिया कि अपने को ग्रूम चाहिए मीन्स गर्ल तो अपने पास में है, अपने को एक दूल्हा चाहिए, दुल्हन अपने पास में है। तो अब सबसे पहले बताएंगे कि दुल्हन है वो कैसी है अपनी। तो ग्रूम इन्वाइटेड मीन्स अपने को ग्रूम चाहिए, ग्रूम है वो इन्वाइटेड है किसके लिए, फॉर ए ब्यूटीफुल शर्मा गर्ल, शर्मा लड़की है, सुंदर है, 24 उसकी एज है, 5'6" उसकी हाइट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और फादर बैंक मैनेजर, उसके जो फादर है वो बैंक मैनेजर है। देखो मैंने यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क को यूज में लिया है, कोमा लगाया है जगह जगह, देखो मैंने ज्यादा सेंटेंस में नहीं बनाया है, मैंने पीछे वाले में बनाया है कोमा लगा करके, शॉर्ट में इसको मेन बातें भी बता दी है और इसको शॉर्ट में इसको डिफाइन भी कर दिया है, सारी चीजें आ गई। तो अपने को जो शॉर्ट में है वो अपने को लिखना है एडवर्टीजमेंट, अपने को लंबा नहीं लेके जाना। और ऐसे ही देखो यहाँ पे लिखा है उसके उस जो अपने पास में जो दूल्हा है उसके फादर क्या है, बैंक मैनेजर है, और कास्ट कास्ट नो बार मतलब जाति का कोई बंधन नहीं है। लुकिंग फॉर ए स्मार्ट हैंडसम वेल सेटल शर्मा बॉय। अब क्या है वो लुकिंग फॉर मतलब वो तलाश रहे हैं, कैसा लड़का तलाश रहे हैं, हैंडसम होना चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए और शर्मा ही होना चाहिए, शर्मा बॉय मतलब शर्मा बॉय चाहिए। यहाँ पे कास्ट नो बार लिखा है, अगर शर्मा
वो हो अच्छी बात है, बाकी कास्ट के उसमें वो बोल रहे हैं कि कोई अपनी कंडीशन नहीं रखी है। अब लास्ट में वो या बायोडाटा तो मंगवाएंगे। तो राइट विद कंप्लीट डिटेल्स टू एससी शर्मा, शर्मा कॉलोनी मीन्स एससी शर्मा को अपना जो कंप्लीट बायोडाटा है, डिटेल है वो दे दीजिए, और कहाँ पे जो कि शर्मा कॉलोनी में वो रहते हैं जयपुर के अंदर। अब वही बात है, यहाँ पे भी आप अपने पीओ बॉक्स नंबर है वो डाल सकते हो, अपने कोई मोबाइल नंबर डाल सकते हो, और वही कोई न्यूज़पेपर के एड्रेस भी आप इसमें डाल सकते हो। सेम वैसे ही है, बस ग्रूम वांटेड में अपने को पहले लड़के के बारे में बताना है, उसके बाद में कैसा दूल्हा चाहिए उसके बारे में। और अगर अपन ब्राइड वांटेड का कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पास में जो ग्रूम है उसके बारे में, अपने पास जो दूल्हा है उसके अपन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, जो जितना भी अपने पास में बायोडाटा है, डिटेल है, जो भी अपने को देनी है वो अपन लड़के के बारे में बताएंगे, उसके बाद में जैसे अपने को ब्राइड चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम इजी सा है ये, और 12th क्लास में ये फोन नंबर का आता है ऑप्शन में, आराम से आप देख सकते हो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे भी। ओके, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना है। ओके, बाय।